जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का टॉपिक है जातियों का समाज विरोधी रूप। और सबसे पहले वही पुरानी बातें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वाइडली शेयर करें। अब आते हैं टॉपिक पर। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखा, उसमें जातियों का समाज विरोधी रूप कैसा है, या यूं कहें कि जातियों की वजह से बेहतर समाज की स्थापना नहीं हो सकती, तो ये ज़्यादा उचित है कहना, या यूं कहें कि इसी का एक समरूप है समझने के लिए, यदि हम ये कह दें कि जातियों की वजह से समाज का गठन नहीं हो पा रहा है। और किसी भी राष्ट्र और देश के निर्माण के लिए बेहतर समाज का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ देखते हैं, पहले हमने जो चार टॉपिक देखे, पांच टॉपिक जो इसके पहले हम बताए, जैसे कांग्रेस बनाम समाज सुधार और समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय, और एक तीसरा टॉपिक था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और एक नस्ल सुधार और जाति प्रथा, फिर क्या हिंदू एक समाज है। इन सारी चीज़ों में हमने देखा कि जाति का कितना बड़ा रोल था, चाहे वो समाज सुधार करने में हो, जाति का बड़ा रोल था, उसकी वजह से समाज सुधार नहीं हो पा रहा था या आज तक नहीं हुआ। और यदि हम श्रम विभाजन में देखें तो उसमें जाति बहुत बड़ा रोल था, जिसकी वजह से नहीं हो सकता और हो भी नहीं रहा है। और यदि हम हिंदू समाज की बात करें, उसमें भी जाति का बहुत बड़ा रोल है, जिस वजह से हिंदू एक समाज का गठन नहीं कर सकता। एक टॉपिक था नस्ल सुधार। नस्ल सुधार की जो बात थी उसमें भी जाति एक बड़ा रोल है, वो भी एक समाज के विघटन का कारण बनता है, जिस वजह से जाति को बनाए रखा गया। अब आते हैं इस टॉपिक पर, आते हैं यहाँ पर कि जाति का समाज विरोधी रूप कैसे है। इसमें हम देखते हैं कि जो जातिवाद के पोषक लोग हैं कौन है, यहाँ लिख लेते हैं जातिवाद के पोषक, या यूं कहें जातिवाद के पोषक। अच्छा, इन लोगों का जो कहना है, जातिवाद के जो पोषक हैं, ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग ये कहते हैं कि समाज में जो लोग हैं वो लोगों में एकजुटता का अभाव पाया जाता है, वो लोग अलग थलग रहते हैं। अब ये कौन कह रहे हैं? जो जातिवाद के पोषक हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कास्टिज्म बना रहना चाहिए या जाति बनी रहनी चाहिए। तो अब एक तो यहाँ ये चाहते हैं जाति बनी रहनी चाहिए, एक आपने मुहावरा सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही यहाँ देखेंगे आप। क्यों? कि जो जाति के पोषक वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों में या हिंदू समाज में लोगों की अलग थलग रहने की जो आदत है, वो टुकड़ों में रहते हैं, एकजुट नहीं रहते। अब सोचने वाली बात ये है कि वो सारे जो टुकड़े में रहते हैं, अलग थलग रहते, तो किस वजह से रहते हैं? जाति के कारण रहते हैं। किस लिए रहते हैं? जाति के कारण। फिर भाई, जाति के कारण ये सारे लोग अलग थलग रह रहे हैं। एक गांव में यदि चार तरीके की जातियां रहती हैं, चमार रहता है, वाल्मीकि है, या यादव है, काशी कुर्मी है, तेली तमोली, कोई भी देख लीजिए, ये सारे लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? ये जाति में बंटवारा होने की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर इनका कारण क्या है? जाति। और आरोप कौन लगा रहे हैं? जातिवाद के पोषक, जिन्होंने जातियों के निर्माण में अच्छी भूमिका निभाई, वही लोग कह रहे हैं कि ये लोग बड़े अलग थलग रहते हैं। सोचने वाली बात है, यदि भाई आप पोषक हैं, आप पोषक बन हट जाइए, पोषक बने ना मत रहिए आप जातियों खत्म करने का प्रयास करिए। जब जातियों खत्म करने का प्रयास करेंगे तो ये तो समस्या खत्म हो जाएगी अपने आप ही, उसमें कौन सी बहुत बड़ी समस्या है ये? जब आप ये समस्या खत्म कर दें, जाति खत्म कर देंगे, तो फिर ये अलग थलग रहने वाली प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये समाज विरोधी रूप है कैसे। पहली बात तो एक ये कि समाज के लिए जरूरी क्या है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये देख लेते हैं, बाद में दूसरी चीज़ देखेंगे कि हम देखें समाज का रूप। पहले हम देखते हैं, खुद समझ लेते हैं हम कितना समझ पाते हैं समाज का जो रूप होता है
वो क्या सिद्ध करता है? ऐसी कौन सी बात है कि जो पुस्तकों में लिखी गई और वो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे? अरे वही गांव की सारी समस्याओं को बड़े बड़े लोग पीएचडी करते हैं उन पर। गरीबी पर लोग पीएचडी करते हैं, भुखमरी पर पीएचडी करते हैं, आपके गांव में जो आप खेती में जोतते बोते उस पर लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, गाँव के टोले के सब लोग जानते हैं। अब समाज का रूप हम देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि समाज का जो गठन होता है संयोग से होता है। संयोग मतलब लोगों के सहयोग से, लोग योग से या लोगों के जुड़ाव से होता है। अब एक चीज़ यहाँ लिख लेते, सिर्फ एक चीज़ लिखते हैं हम यहाँ पर कि समाज का गठन जो होता है, अब देखिए सारी चीज़ें यहाँ समझ में आ जाएंगी। समाज का गठन व्यक्तियों के संयोग मतलब सहयोग कह देंगे या एकजुटता कहेंगे या कह देंगे लगाव कह देंगे, कुछ भी कहें, एक साथ एकजुटता होने से समाज का गठन होता है। अच्छा, अब ये सब इकट्ठे होंगे कब? ये तो हमने बताया समाज का गठन व्यक्तियों के संयोग सहयोग एकजुटता लगाव या एक सूत्र बंधे रहने से होता है, अच्छे समाज का गठन होता है, ये बात हमने समझ ली। अच्छा, ये सब होगा कब? हमें क्या करना है? समाज का गठन करना है। तो समाज का रूप कैसा होगा? एक तो ये हो गया। ये कब होगा? जब लोगों में क्या नहीं होना चाहिए, नंबर दो, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनमें जो कोई भी चीज हो, जो पिछले बार हम बताए थे कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इनमें सामूहिक उत्तरदायित्व कह सकते हैं या किसी भी चीज़ पर सबका समान अधिकार पाया जाता है, तो इनमें समान अधिकार की भावना होनी चाहिए, समान अधिकार की बात होनी चाहिए, फिर समान जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए, ये भी समाज के एक कारण बनता है, समान जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ऊंच नीच की भावना नहीं होना, उच्च नैतिक आदर्श एक समाज होना चाहिए या यूँ कहें एक चरित्रिक जीवन बेहतर होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हो जाएंगी तो एक बेहतर समाज का गठन हो जाएगा। अब यहीं पर आप जातियों में आ जाइए। जातियां पहली बात तो आदमी इकट्ठे नहीं होने देंगे, यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाति ने। फिर जाति में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है तो लोग इकट्ठे तब भी नहीं होंगे। फिर समान अधिकार हो ही नहीं सकता, किसी का अधिकार कम किसी का ज़्यादा, किसी का शिक्षा पर जन्मजात अधिकार होगा दूसरे का पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये समान जिम्मेदारियां भी नहीं होंगी। एक आदमी की जिम्मेदारी ज़्यादा दी जाएगी, अधिकार कम होगा, जिसका अधिकार ज़्यादा होगा उसकी जिम्मेदारियां कम होंगी। ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें जो क्रिएट की गई हैं समाज में वो जाति के कारण हैं। अब इन जातियों को होते हुए बेहतर समाज का गठन तो नहीं कर सकते। और तो और देखिए यहाँ पर जातियों में एक, अब यहाँ पर क्या है, यदि समाज का आप गठन करते हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है समाज के प्रति, कि समाज में सबका विकास होना चाहिए, किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, विशेष जाति का नहीं होना चाहिए। ये सारे लोग समाज के प्रति जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो करते हैं, लेकिन जाति में क्या होता है? जाति में हर एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति के प्रति ही जिम्मेदार होता है, वो अपनी जाति का विकास चाहेगा, बाकी लोगों को नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका ही विकास हो मेरा भी हो, जाति का यही एक विलक्षण गुण है। जाति में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि दूसरे का भी डेवलप हो और मेरा भी हो, वो ये चाहता है कि उसका डेवलप रुक करके मेरा होना चाहिए। ये इसकी जो बहुत बड़ी जो भूमिका है, ये बहुत बुरी आदत है, ये नेचर है इसका जाति का, कि जाति में कहीं पर भी आप देखेंगे। एक चीज़ तो समझ में आती है कि ठीक है, एक चमार का डेवलपमेंट हो रहा है या एक यादव का हो रहा है या कुर्मी का हो रहा है या ब्राह्मण का हो रहा है या क्षत्रिय का या वैद्य किसी का भी। आप देखिए, ब्राह्मण ये नहीं चाहेगा कि किसी भी वाल्मीकि का भी डेवलपमेंट हो और मेरा भी हो ना, ब्राह्मण ये चाहता है कि सिर्फ मेरा हो, वाल्मीकि का तो होना ही नहीं चाहिए, और वो भी जो वाल्मीकि का डेवलपमेंट जो उसके हिस्से का वो भी मेरा ही होना चाहिए। इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, इसी तरह से अब शिक्षा के अधिकार में एकाधिकार ब्राह्मण का, वही पढ़ लिख सकता है, दूसरा पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? दूसरे को शिक्षित होना ही नहीं है, उसे किसी तरह की जानकारी नहीं होना चाहिए। क्षत्रियों का सेम चीज, रूल करने का राइट उसी के पास है, व्यापार करने का एकाधिकार है बनिया के पास।
ये जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ इस तरह से है कि दूसरा नहीं कर सकता, वो काम सिर्फ हम करेंगे, शूद्र सिर्फ काम करेगा, मतलब अधिकार कम जिम्मेदारी ज्यादा। ये चीजें जो है ये जाति की वजह से है, इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि जातियों को खत्म होना चाहिए। जाति में इतना बड़ा आइसोलेशन पाया जाता है, इतना बड़ा विरोधाभास पाया जाता है, और सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा है कि अब ये सब आया कहाँ से, मतलब अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर सिद्ध करने के लिए अनावश्यक तरीके से इसका निर्माण कर दिया गया। अब ये आया कहाँ से समस्या, ये बात आप बाद में सोचेंगे, अरे भाई पता नहीं इतना सब बता दिए और ये नहीं बताया सब हुआ कैसे, आई कहाँ से जाति, को यदि वही सिस्टम ही ख़त्म हो जाता जहाँ से पैदा हो गई तो कम से कम शायद कुछ सुधार होता। ये सब हमारे यहाँ का जो साहित्य है, हिंदू साहित्य जिसे कहते हैं, आज जो लोग अपने आप को बेहतर हिंदू समझते हैं उन्हें बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ा समझें, जातियों का सबसे बड़ा खुरापाती जो सिद्धांत है वो जाति व्यवस्था ग्रंथों में लिखा है। जो ग्रंथ हैं, जो साहित्य है, और हजारों साल पुराना साहित्य, उसमें जातियों के इतने बुरे तरीके से निर्माण किया गया है और लोग उसको मानते चले आ रहे हैं। कभी उन्होंने ये प्रश्न करने का कोशिश नहीं किया कि इतनी बुरी बातों को हम कब तक ढोएंगे, आखिर इससे तो हम ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज यदि हमारे देश में 6,743 जातियाँ हैं तो कल 12,000 भी जातियाँ हो सकती हैं ना, नहीं हो सकती। अच्छा 12,000 जातियाँ होती तो क्या गारंटी कि ब्राह्मणों में जितनी जातियाँ हैं उतनी ही रहेंगी, उनमें डबल नहीं होंगी, ये चार गुना नहीं बढ़ेंगी, हो सकता है उन्हीं में ज़्यादा जातियाँ बन जाएँ। और आज जिन्होंने सारे समाज को एक दिशा देने का काम करते थे, या सही दिशा में ले जाने का या बुरी दिशा में ले जाने का नियंत्रण करने का खुद के स्वार्थ में काम करते थे, कल वही अपने स्वार्थ की लड़ना शुरू कर देंगे आपस में। और देखिए महाराष्ट्र में वही है, नाम रूप चित पावन कारज, ये जितने भी ब्राह्मण हैं ये सब ब्राह्मण उपजात ब्राह्मण की उपजाति होने का दावा करते हैं, और ये इतने तरीके से एक दूसरे से आइसोलेट है या विरोधाभासी इनमें है कि जिस तरह से ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच ये द्वेष रहता है, वो इसी तरीके से उनमें ब्राह्मणों में भी आपस में द्वेष है। या यूं कहें कि जाति में इस तरह का झगड़ा होता है, द्वंद्व होता है जैसे दो राष्ट्र, तो हम कह सकते हैं कि ये समाज जो है ये जातियों का ऐसा झुंड है जहाँ एक दूसरे से लड़ाई, मतलब ये कहें कि ना रुकने वाली फाइट, मतलब आजीवन चलने वाला संघर्ष पैदा कर रखा है, मतलब जीवन में कभी भी अनंत काल तक ये संघर्ष बराबर चलता रहेगा जातियों का, ऐसा निर्माण किया गया। और जातियों का आपसी संघर्ष क्यों, वो एक दूसरे को अपने से उच्च देखना ही नहीं चाहता, ये जो नेचर बना के रखा है ये जातियों की वजह से है। यदि ये सिस्टम खत्म हो जाए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन जाति जब तक रहेगी तब तक शालीनता आ नहीं सकती, उसमें नैतिकता की कभी संभावना नहीं की जा सकती, एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया जाए ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, चूंकि रिस्पेक्ट भी साहित्य में लेकर रखा है, आपको कितना सम्मान किसका करना है, इसलिए आप वो भी नहीं कर सकते। इसीलिए इन सारे साहित्य से बाहर निकल करके ये सोचना चाहिए कि बेहतर समाज का निर्माण कैसे किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर वही कहते हैं कि यहाँ पर जातियों का एक ऐसा झुंड है जो एक दूसरे से बिल्कुल कंटिन्यू रेडी टू फाइट, बिल्कुल लड़ाई के लिए एकदम तैयार है और किसी से भी लड़ेंगे, और ऐसा युद्ध संघर्ष चल रहा है जैसा दो विरोधी राष्ट्रों के बीच। आप भारत पाकिस्तान का देख लीजिए, कम युद्ध है उनके अंदर, कम बुराइयां हैं। आप दो जातियों के बीच में देख लीजिए, आए दिन उनके अंदर संघर्ष चल रहा होगा, वही सेम प्रॉब्लम है। आप जितना हिंदू मुस्लिम है ना उतना चमार कोरी तेली तमोली आपस में, यादव कुर्मी काशी कुर्मी, मतलब सब चल रहा है एकदम एक दूसरे के बीच, जितना कि हिंदू मुस्लिम, तो ये हर एक मोहल्ले में एक हिंदू मुस्लिम बना पड़ा है। आप हिंदू मुस्लिम छोड़िए, वो दो धार्मिक बातें हो गई, उनके विवाद हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए चमार और कोरी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं, लेकिन फिर भी जातीय संघर्ष है, तो ये जाति कारण है। जाति कारण नर चमार कोरी धोबी धानों का हेर गड़रिया जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर बेहतर समाज का गठन कैसे होगा। जब तक बेहतर समाज का गठन नहीं हो सकता, हम अच्छे राष्ट्र के निर्माण की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। चूंकि कोई भी एक जाति का आदमी किसी भी देश को उच्च स्थान तक नहीं लेके जा सकता या उसे सम्मानजनक स्थान नहीं दिला सकता। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि यदि देश को समाज को अच्छे मुकाम तक पहुंचाना है तो जातियों को सबसे पहले खत्म करना होगा। इसीलिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखा गया है जाति का विनाश। अब आप यहाँ देखिए कि आपने एक टाइम पर देखा होगा विश्व युद्ध में अंग्रेज आमने सामने लड़े, अंग्रेज अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेज दूसरों के खिलाफ भी लड़े,
लेकिन युद्ध जीतने के बाद उन्होंने मानवता की हत्या नहीं की। राजाओं की हत्या हुई होगी, सैनिकों की हत्या हुई होगी, वो युद्ध में हुई। युद्ध के बाद आप देखेंगे कि सब एक हो गए और आज उन सारी चीज़ों को बुला करके वही अंग्रेज आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जो मानवता को रोक सकती थी, मतलब द्वेष को ख़त्म किया। लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए लड़ी गई थी, ना कि वैमनस्यता के लिए लड़ी गई थी। आज देखिए लड़ाई ऐसी है जो ना रुकने वाली है, अब वो सिर्फ है किसकी वजह से, जाति कारण है। तो जाति का जो ये रूप है समाज विरोधी, ये बहुत ही खतरनाक है, आप इसे प्रत्यक्षता देख सकते हैं। और आप कहीं पर भी देखिए किसी भी पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, मैं पहले भी कह रहा था कि आप समाजशास्त्र को भी पढ़ें, सोशल वर्क को भी पढ़ें, समाजकार को, और कहीं भी ये देखेंगे इतिहास में भी, तो इस तरह से बताया ही नहीं किसी ने। यदि बताया होता या किसी भी एकेडमिक में इसको शामिल कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि आज के दौर में जातियों में कुछ ना कुछ सुधार हो चुका होता है। लेकिन जातियों की इतना गंभीर दोष आज तक किसी को पता नहीं है कि इतना बड़ा गंभीर दोष हम लिए घूम रहे हैं, ढो रहे हैं। यदि किसी दोष को किसी को बता दिया जाए तो माना जा सकता है कि एक समय में नहीं तो एक समय में वो अवश्य अवेयर हो जाएगा या उसमें सुधार कर लेगा। जैसे आप डेली बोलते हैं कि भाई दो बूंद जिंदगी के लिए आप पोलियो को ड्रॉप पीजिए, बच्चों को पिलाइए, एक बार कोई कहते करे भाई ये फर्जी है, फालतू है, टाइम पास है, कुछ नहीं है, करप्शन का मामला है, ये सरकार ऐसे ही करती, कुछ लोगों को सरकार ये काम अच्छे नहीं लग सकते, हो सकता है वो ऐसा कहें। लेकिन एक दिन ऐसे ही कहने वाले लोगों में यदि उस तरह कोई बुराई पैदा हो जाएगी, कोई घर में विकलांग बच्चा पैदा हो गया या कोई ऐसा इंडिकेट हो गया, तो उनको लगेगा कि हमारी वजह से हुआ, हम ही लोगों को गलत रूमर फैलाते रहे कि ये पोलियो नहीं पिलाना, आज देखिए एक नया केस आ गया, तो वो लोग फिर पोलियो पिलाना शुरू कर देंगे। और वो कब हुआ, वो उस बात की फ्रिक्वेंसी से हुआ कि जब दिन रात रोज बोला गया कि भाई पोलियो को ड्राप पीना है, पोलियो ड्राप पीना बहुत जरूरी है, इसलिए हुआ। आज यदि इस चीज़ को सिलेबस में रखा गया होता है एनिलेशन ऑफ कास्ट बीए में या एमए में या रिसर्च किसी भी कोर्स में रखा जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जब रिसर्च करेंगे इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो जातियों का जो रूप है, जातियों की जो विशेषता है, वो जाति के द्वारा जो होने वाला नुकसान है राष्ट्र का, उसके बारे में लोग जान लेंगे। जब जान जाएंगे तो उसके प्रयोग करेंगे कि भाई जातियों के, जातियों को ना मान लेने से क्या नुकसान होता है, उन्हें पता चलेगा कि नुकसान तो जीरो है तो फिर फायदा ही फायदा है, तो जातियों का, जातियों को नष्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए इसे चाहिए कि इसको कहीं ना कहीं कोर्स में रखा जाए। यदि कोर्स में नहीं रखा गया तो फिर कोशिश ये हो कि हर एक गाँव मोहल्ले में या जो एम्प्लाइज हैं, नॉन एम्प्लाइज हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ें, समझें, और इससे जितनी चीज़ें इसमें लिखी हैं इसे लोगों को बताएं, समझाएं कि समाज का कितना बड़ा नुकसान होता है सिर्फ जाति की वजह से। यदि जाति की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाए तो समाज की प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है, समाज अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, जो एक बहुत ही प्रगतिशील रूप होगा। और उस प्रगतिशील रूप को लाने के लिए हमें समाज के जो जाति का जो समाज विरोधी रूप है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। यही बाबा साहब चाहते, बाबा साहब की संकल्पना का जो भारत है वो आगे टॉपिक है, बताएंगे कभी, आप सुनिएगा, समझिएगा कि आखिर इतनी बड़ी कल्पना की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ऐसा भारत होना चाहिए, और सोचिए जो कल्पना बाबा साहब ने की थी मोस्टली वो होने वाला है, वो होगा, आज नहीं तो कल। यदि आपको चाहिए कि उस रूप को आपको देखने को मिले तो थोड़ी मेहनत आप करें, आप उस संकल्पना में, संकल्पना को देख सकते हैं जिसकी कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी कि ऐसा भारत होना चाहिए। अच्छा, और आगे देखते हैं कि यदि जाति में सरकार कोई काम नहीं करती, अब हम यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ तो एक जो मेरा उद्देश्य है बताने का, हम पहली चीज़ वो बताते हैं कि बाबा साहब ने ये बात कही, हम ये बताते हैं कि हम उसमें क्या समझ पा रहे हैं, फिर तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती कि आज हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिखा एनिलेशन ऑफ कास्ट में जातियों का समाज विरोधी रूप, इस टॉपिक के बारे में बताया। आखिर जब हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर 26 टॉपिक लिखते हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट में, इस 26 में से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आपके काम का ना हो,
सबके सब समझने लायक हैं और सरल हैं, आसान भाषा में लिखे गए हैं। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये स्पीच लाहौर में देने वाले थे, तो सोचिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर स्पीच देते उस समय कौन होता नंबर वन? सबसे पहले तो वहाँ पर पत्रकार भी होते, ठीक है, कुछ भारतीय होते और अंग्रेज भी होते, पढ़े लिखे भी होते और अनपढ़ भी होते, किसान मजदूर भी होते, मतलब ऐसा कोई तबका नहीं था जो नहीं होता। अब सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्पीच और राइटिंग में एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये सारी बातें जो बाबा साहब बोलते हैं वो इनके सबके समझ में आता है। अब देखिए इसमें भाषा विज्ञानी भी होते हैं जिन्हें भाषा का बड़ा ज्ञान था, और जो भाषा को जानते भी नहीं थे अच्छे से वो लोग भी होते हैं, लेकिन सबकी बात समझ में आती है कि बाबा साहब क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात होती कभी कभी कि कुछ लोग जो अपने आप को लीडर कह देते हैं, जब वो भाषण देते तो हम जैसे लोगों को भी समझ में नहीं आता। भाई आप लोग समझ जाते, बात अलग है, लेकिन मैं तो कभी कभी बहुत ही कह देता हूँ भाई आप लोग जो बोलते हैं ना वो आपको समझ में आ गया हो अच्छी बात है, पता नहीं कहाँ से आपने सुना, कहाँ से पढ़ लिया है, कैसे तैयार किया स्पीच में, कैसे आप बोल दिए, मेरे तो समझ में नहीं आया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर क्या समझाना चाहते थे ये हर व्यक्ति को समझ में आता था। उनकी जिम्मेदारियों को बताते थे कि आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या करना चाहिए, जो भी जितने भी लोग वहाँ होते थे हर एक व्यक्ति के काम की बात उसमें होती थी, पत्रकार के काम की बात उसमें मिलती थी, उसमें भारतीय अंग्रेज जो भी होते थे, दोनों तरह के पत्रकार और दोनों प्रकार के लोग जो भी होते थे उनके भी काम की बात उसी भाषण में होती थी, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों को भी अलग अलग उनके काम की बात होती थी। अनपढ़ों को सीखना था हमें क्या करना है, पढ़े लिखों को ये पता चल जाता कि हमें दूसरे लोगों को क्या सिखाना है, सीख करके ये उन्हें पता चल जाता था। किसान और मजदूरों को पता चल जाता था कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे मिल के रहना है, और यहाँ जो भाषा विज्ञानी लोग थे जो भाषा की बारीकियों को समझते थे उन्हें भी पता चल जाता था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी सरलता से समझाया, और जिन्हें भाषा का भी ज्ञान नहीं होता था कि किस तरह से क्या, उन्हें भी बड़ी आसानी समझ में आ जाता था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या समझाया, कैसे समझाया, हम इनके बराबर कैसे आगे बढ़ पाएंगे, सबको समझ में आता था। बट आज के लोगों की भाषा, खैर मेरे समझ में नहीं, हो सकता मैं समझदार कम हूँ, बाकी लोग ज़्यादा समझदार होते होंगे, अच्छी बात है, खैर देख जाके। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि फिर उस समय से आज तक लोगों ने सीखा क्या, आखिर लोगों की सीखने की प्रवृत्ति नहीं थी या लोग सीखना नहीं चाहते थे, और फिर क्यों, ऐसा क्या था कि लोग नहीं जानना चाहते थे, क्यों जाति को घसीटना चाहते थे, क्यों लंबे समय तक उस समस्या को बनाए रखना चाहते थे? तो आसान सी बात है, राज पर संघासन, राज पर कहें या सिंहासन पर टिके रहने का साधन, आगे बताएंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, मैं टॉपिक टॉपिक ही बता रहा हूँ, बहुत सरल शब्दों में थोड़े बता देता हूँ मैं, चूँकि बोल दिया मैंने, सिंहासन पर टिके रहने का आसान साधन, जितने लोग अशिक्षित होंगे, जितने लोग आइसोलेट होंगे, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए लोगों को अलग अलग ढंग से बरगला करके, बहला फुसला करके उनसे वोट पाना बहुत आसान होता है। यदि एक गांव में 50 टुकड़े हो जाएं, अब 50 टुकड़ों को अलग अलग करके आप टारगेट कर सकते हैं। आप कोरियों के टुकड़े में जाएंगे, उनको आसानी समझा देंगे, आप हमको वोट दे दीजिए। आप चमार के 5 टुकड़े हो गए, अब 5 प्रकार के चमार वहाँ रहते हैं, अहरवार रहते हैं, शंखवार रहते हैं, कुरील रहते हैं, दोहरे रहते हैं, ये सारे तरीके के चमार, ये आपस में इकट्ठे नहीं हैं। अब उनके पास आप चले जाइए, 5 प्रकार के चमारों से आप वोट पा लेंगे। वाल्मीकि भी कई प्रकार के हैं, उनके पास आप चले जाइए, वो भी 5-7 प्रकार के होंगे, उनके अलग अलग टुकड़ों में जाइए, उनसे भी वोट आसानी से मिल जाएंगे। अब ब्राह्मणों के पास चले जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे तिवारी, द्विवेदी, त्रिपाठी, दुबे, चौबे, शुक्ला, बहुत लोग मिल जाए, हो सकता है उनकी आपस में बनती हो, उनको भी थोड़ी सी मजबूत कर देंगे जातियों को, उनमें थोड़ी आइसोलेट कर देंगे, तो उनके अलग अलग वोट आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसी गांव का एक समाज बन जाने दो, अब आपको वोट नहीं मिलने वाला। क्यों? पहले तो आप अच्छे कैंडिडेट बनो, आप एजुकेटेड होना चाहिए, नॉन करप्टेड होना चाहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना, वो सब रिसर्च कर लेंगे और एक ही दिशा में सारे लोग वोट करेंगे, और उन्हें जब पता चल जाएगा कि हमारे गांव के क्षेत्र के विकास के लिए आप काम करें तो ही वो वोट करने वाले हैं, नहीं तो नहीं देंगे। इसीलिए जो लोग राज करने वाले थे
उन लोगों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, चूंकि और मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है, मजबूत समाज बनाने के बाद शासन करने की काबिलियत का ना होना भी जाति बनाए रखने का एक कारण है। जो मेरी अपनी सोच कहती है, किसी को इसमें बुरा लग सकता है, एक अलग बात है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज को बेहतर बना करके उसके ऊपर शासन करना, ये काबिलियत की कमी होने के कारण बेहतर समाज का निर्माण नहीं होता, या जातियों को ख़त्म करके फिर राज कर पाना, ये काबिलियत ना हो पाने के कारण भी जातियों का विनाश नहीं हो पा रहा है, या फिर जातियों को बनाए रखा जा रहा है। यदि लोगों में ये काबिलियत पैदा हो जाएगी, हम पढ़े लिखे लोगों पर भी शासन कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा एजुकेशन बहुत उच्च स्तर पर पहुँच जाएगी। ये कॉन्फिडेंस यहाँ के रूरल लोगों की प्रॉब्लम है, वो लोग जानते ही नहीं है कि यार जिस समय सभी लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हो जाएंगे तो हम राज कैसे करेंगे। बस यही एक विडंबना उनको खाई जा रही है, और हमारे देश के पिछड़ेपन का ये यही सबसे बड़ा कारण है कि समाज का एक रूप ना होना। इसलिए सबको चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है, आप यदि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हम इस पुस्तक को पढ़ें और लोगों को बताएं। और एक बात कि इसमें यदि इतनी बातें समझ में आपको आ गई हो तो बेहतर है, यदि इसमें मुझसे कोई कमी रह गई हो तो एक चीज़ ये है कि कमेंट में ज़रूर बताया करिए। आप लोग नहीं बताते, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कैसा बता पा रहा हूँ, मेरा अध्ययन क्षेत्र कहीं कमज़ोर तो नहीं रहा जा रहा है, तो आप थोड़ा बताया करें, थोड़ा सा बताएं, कहीं ना कहीं कमेंट करें, शेयर करें, और थोड़ा उत्साह मिलता है हमको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं मेरी मेहनत बिल्कुल ठीक है, सही दिशा में जा रही है। और मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, मेरा नाम रामलखन है, और मैं खासतौर से रेलवे वालों से पहले बोलता हूँ, भाई आप लोग क्यों नहीं इसको बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, इसको तो एक हफ्ते के अंदर सारे रेलवे एम्प्लॉय जो कम से 3.5 लाख होंगे उन तक तो पहुँच ही जानी चाहिए बात मेरी, कि एक रेलवे कर्मचारी बाबा साहब के स्पीच को, राइटिंग को इस तरह से लोगों तक पहुँचाने की मुहिम चला रहा है, तो कम से कम इसको ज़्यादातर लोगों को पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच, जय भीम, नमो बुद्धाय।